दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तूफानी शतक ठोककर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने पर बैठने को मजबूर कर दिया। देखता रह गया पूरा स्टेडियम। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर विराट कोहली ने रचा इतिहास। तो आखिर कैसे अंतिम और निर्णायक मुकाबले में किंग कोहली की आतिशी पारी के दम पर जीत की कगार पर पहुंची टीम इंडिया। उनकी शानदार बल्लेबाजी से लेकर इस पूरे महामुकाबले की हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर 480 रन बना लिए। टीम इंडिया ने इसका करारा जवाब दिया। शुभमन गिल ने तीसरे दिन तबाही मचाते हुए 128 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धजिया उड़ा दी। तो वहीं लंबे समय के बाद विराट कोहली ने अर्धशतक ठोककर एक आतिशी पारी की शुरुआत कर दी। तीसरे दिन के खत्म होने तक टीम इंडिया ने 289 रन बना लिए थे। जहां विराट कोहली 60 के स्कोर पर नाबाद थे, तो वहीं रविंद्र जडेजा भी 16 रन बनाकर विराट का साथ निभा रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी आज सर पर कफन बांध कर मैदान पर आया। जहां एक तरफ विराट कोहली संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जडेजा आतिशी पारी खेल कर रन बटोर रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी को जारी रखा, जल्दी 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। अब भारतीय फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने बल्ले से तबाही मचा रहे थे। रविंद्र जडेजा का अब सब्र का बांध टूट चुका था। उन्हें ज्यादा देर तक रोकना कंगारू के बस की बात नहीं थी। गेंदबाजी करने आई मर्फी को शानदार चौका ठोककर जडेजा ने अपने तेवर कंगारू को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया की खुशी को मातम में बदल दिया। रविंद्र जडेजा तेजी से रन बनाने के चक्कर में 28 के स्कोर पर उस्मान ख्वाजा को अपना केस थमाकर आउट हो गए, जिस पर विराट कोहली भी बेहद ही निराश दिखाई दिए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते शिखर भरत। अब विराट कोहली और भरत ने जमकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। 114 ओवरों में टीम इंडिया ने 320 रन बना लिए थे। उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर चट्टान की तरह डट गए। ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करने की पूरी कोशिश कर ली थी, पर इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और लंच तक टीम इंडिया ने तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 362 रन बना लिए थे। वहीं इन दोनों के बीच 50 से भी ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हो गई। विराट कोहली भी अपने शतक के बेहद ही करीब थे। लंच के बाद मैदान पर आते भरत ने मैदान में तबाही मचा दी। उन्होंने ग्रीन को 2 छक्के और 1 चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में भरत लियोन के जाल में फंस गए। जी हां दोस्तों, 44 के स्कोर पर लेथम ने उन्हें चलता किया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आई अक्षर पटेल। उधर विराट कोहली ने लेथम के खिलाफ सिंगल लेकर अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 400 रनों की आंकड़े को छू लिया। 145 ओवरों में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 419 के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।